सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अपडेट्स के बारे में, जो कि पहला है कि आखिर क्यों यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कार्ड मिला अपनी 24/7 टाइटल को हारने के बहुत ज़्यादा करीब है। और फिर दूसरी अपडेट यहाँ पे जुड़ी है एनएक्सटी के सुपरस्टार से, जो कि यहाँ पे इंजर्ड होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में सारा अपडेट आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे कार्मेला के अपडेट्स अगर हम स्टार्ट करें बात को, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कार्मेला को 24/7 चैंपियन बनते हुए पिछले रॉ में, तो अब गाइस यहाँ पे हुआ था क्या कि कार्मेला यहाँ पे 24/7 चैंपियन बन गई थी। उसके बाद ड्रेक मैवरिक तो यहाँ पे चैंपियनशिप के पीछे लगे ही रहते हैं। अब उन्होंने पोस्टर वगैरह ट्विटर पर भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ड्रेक मैवरिक की वाइफ रेने मिशेल, वो यहाँ पे कार्मेला का पीछा करी थी गाइस। जी हाँ, वो पीछा करी थी मॉल से लेके बहुत दूर तक उन्होंने पीछा किया, जहाँ पे कि ड्रेक मैवरिक ने उन्हें देख लिया, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेने मिशेल को एक न्यू 24/7 चैंपियन के रूप में, और वो चैंपियन बनती है तो उसके बाद ड्रेक मैवरिक को भी हम दोबारा चैंपियन देख सकते हैं, क्योंकि अपनी बेबी से ज़्यादा वो 24/7 टाइटल को यहाँ पे प्यार करते हैं। अगले बात करें हम यहाँ पे कि अभी ये वीक चल रहा है डोडोली का प्रीमियर वीक, जहाँ पे कि रॉ, एनएक्सटी और स्मैकडाउन का अलग अलग जगह पर प्रीमियर होने वाला है। सो गाइस, अब यहाँ पर एनएक्सटी की हम बात करने वाले हैं, किस तरह यहाँ पर एनएक्सटी के सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एनएक्सटी को जो हम देख रहे हैं, यूएसए नेटवर्क पे प्रीमियर हुआ है, तो पिछला हफ्ता तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त था, बहुत हाई रेटिंग्स थी वहाँ पर, सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या में इंजर्ड हुए थे, लेकिन उससे हमने ठीक है ठीक ठाक से ले लिया, क्योंकि वो पहला वीक था, डोडोली को बड़ा करना था। अब यहाँ पर जो लास्ट वीक हुआ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंजरी हुई सुपरस्टार्स को, एडम कोल जैसे बड़े बड़े नेम को यहाँ पर इंजरी हुई गाइस, जी एडम कोल जैसे बड़े नेम्स को। और फिर एनएक्सटी यहाँ पे दूसरा वीक जो था यूएसए पे कुछ खास रेटिंग्स ला नहीं पाया, तो यानी डोडोली के यहाँ पे इस हफ्ता पूरा ज़्यादा घाटा हुआ, सुपरस्टार्स भी इंजर्ड हुए हैं और फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सो ओवरऑल ये वीक जो एनएक्सटी का था वो थोड़ा बुरा था उस डोडोली के लिए। सो यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने डोडोली फैंस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।